हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है शुक्रजनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो शुक्रजनक नलिका वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लेडिंग कोशिकाएँ भी कहते हैं। इन्हें स्रावित नर हार्मोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक शुक्राणुजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। यह दो पड़ियों से घिरी रहती है। दो परतों से घिरी रहती है। ठीक है, बाहरी परत को बाही कुंचक तथा भीतरी परत को जनन एपिथिलियम कहते हैं। जनन एपिथिलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं से होता है। इनके मध्य स्थान स्थान पर सटली कोशिकाएं पाई जाती है। जनन कोशिकाओं से शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु सटली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएँ वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। शुक्रवाहिकाएँ अधिवृषण में खुलती है। अधिवृषण से एक शुक्रवाहिना निकलकर वंशन नाल से होती हुई गदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के आधार भाग में खुलती है। सो थैंक यू।